بسم الله الرحمن الرحيم رمضان کا باقاعدہ رات کر کے اور تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب میں دعوت ہوگا ضیاء اسلام قریشی صاحب طاقت ہے ان کی ایک پاور ہے اور ان کے افراد
इज्जत और वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हिंदुस्तान में बिल्कुल हमारे हमसाया के अंदर मौजूद है, एक मजहब नहीं है, एक कौम नहीं है, एक जबान नहीं, एक रंग नहीं, एक कैसे उनकी जिसामत भी नहीं। हर 20-25 किलोमीटर या 20-25 मील पर जाकर रस्म और रवाज तब्दील हो जाते हैं, रहन सहन तब्दील हो जाते हैं। तो वो सिर्फ धरती माता की बुनियाद पर यूनाइटेड है और हम हैं कि जब हमारा अल्लाह भी एक है, हमारा काबा भी एक है, हमारा रसूल भी एक है, हमारी किताब भी एक है, इसके बावजूद हम फिरकों में बटे हुए हैं। और फिर जहां तक फिरकों की बात है, हम फिरकों में बटे हुए हैं, फिर फिरकों के अंदर फिरके बने हुए हैं। और मेरा इशारा यह है कि मेरा जो अपना गांव है, छोटा सा 8-10 हजार की आबादी का गांव है, मेरे गांव के अंदर 7 मसाजिद है। 7 मसाजिद में तमाम तरह इकराम जो है वो एक ही मकबा फिक्र से तौलत रखते हैं और वो भी आपस में इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं, उनके भी आपस के अंदर इख्तलाफात हैं। और इस तरह जो आदमी क़यादत का सफर का आगाज करता है, वो मोहब्बत की बुनियाद पे उसका सफर नहीं करता, बल्कि वो नफरत की बुनियाद पे ऐसी दीवारें खड़ी कर देता है और तसव्वुर ज़हनों में भर देता है कि जिसने लोगों को तकसीम से तकसीम दर कर रखा है। और ये सारी प्रैक्टिस जो है ये उम्मत के ज़वाल का सबब है। और मैं समझता हूँ और मेरा ये सवाल भी है कि हमारी दीनी मजहबी क़यादत जो है, क्या वो दीन के हया के लिए काम कर रही है, नियत की बात मैं नहीं करता, अमलन बात कर रहा हूँ, या वो इसके लिए मसाइल पैदा कर रही है जो दीनी सोच रखने वाले लोग हैं उनको कहाँ तक तकसीम किया हुआ है और उनकी कहाँ हमने उनको खड़ा किया हुआ है कि वो किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठने के लिए तैयार है लेकिन अपने दूसरे फिरके के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और ये सारी सूरत हाल जो है इसको देखते हुए अपने हिस्से की शमा जगाने का नाम थिंकर फोरम है कि हम इन हालात के अंदर मुख्तलिफ उलमाए किराम को, पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पे दावत देते हैं, जो उम्मत की रहनुमाई करते हैं उनको दावत देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका नुक्ता नजर सुनते हैं। और यहाँ पर नुक्ता नजर सुनते सुनते जो मेरा जेन बना है वो इस नतीजे पर आ गया है कि जितने भी उलमाए किराम मुख्तलिफ मकाम पर फिक्र से जिन लोगों को हमने यहाँ पे दावत दी है, उन सब की तालीमात का सर चश्मा कुरान सुन्नत है। एक जैसी बातें करते हैं, एक से सारी उनकी गुफ्तगू होती है, मुझे तो उसमें फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब अमली जिंदगी के अंदर जाते हैं तो इस तरह की तकसीम के जिसको खत्म करना नामुमकिन हुआ जा रहा है वो क्यों है, इसका मसला क्या है। तो मैंने जो मुशाहदा किया है अपनी जिंदगी की 30 साल जो अमली जिंदगी के गुजारे हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरी पूरी इस जिंदगी के अंदर जो मैंने गुजारी है हमने सिर्फ एक ही काम किया है, कभी हम पाकिस्तान के अंदर रूस का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका के हाथ में इस्तेमाल होते हैं और हमारी ही उम्मत के एक ग्रोह को इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे को पीछे रख लिया जाता है। जब वो चला जाता है और वो जिहादी एलिमेंट मुनज़्ज़म होने की कोशिश करता है तो दूसरे ग्रोह को इस्तेमाल करके पहले ग्रोह को मारना और भगाना और खत्म करना का काम दिया जाता है। और ये हमारी सारी क़यादतों ने, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे समझदार लोगों ने, जो हमारे दाना हैं उन्होंने अब तक ये काम किया। और मेरा इलाका दरिया किनार के साथ है, हेडमराला से लेकर समड़िया, जो मैंने मुशाहदा किया है मैं कोई एक आदमी ऐसा नहीं बयान कर सकता कि जो मुझे नजर आए कि ये वो मुसलमान है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया। एक बंदा जो है मैं क्लेम नहीं कर सकता इसके मतलब मैं कहूँगा ये मुकम्मल मुसलमान है। और ये मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, खानदान तो बहुत दूर की बात है कि इसके खानदान के अंदर ये सब कुछ हो। तो मैं समझता हूँ कि एक इतने लंबे चौड़े इस एरिया के अंदर जहाँ तक मेरी नजर है, मेरा मुशाहदा है, मैं जानता हूँ, मैं एक मुसलमान क्लेम नहीं कर सकता उस करेक्टर के अंदर कि जिसके पैमाने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं उस पैमाने के मुताबिक एक ऐसा बंदा मैं साबित नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंख से नहीं देखा, एक खानदान नहीं देखा, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हम कहां खड़े हैं और हमारी दीनी मजहबी क़यादत को भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं।
मेरे गांव के अंदर एक हफ्ते के अंदर चार मरतबा उलमाए कराम हमसे हाजिर होते हैं, कभी किसी जनाजे पे, कभी किसी खत्म पे, कभी किसी पुल पे, कभी किसी दसवें पे, कभी किसी चालीसवें पे, और कभी जुमे कर एक हफ्ते में चार मरतबा। और मेरा मुशाहदा यह है कि इतना ज्यादा को मुहातब होने के बावजूद कोई जना करने वाला जना से बाज नहीं आता, कोई झूठ बोलने वाला झूठ नहीं छोड़ता, कोई बेनमाजी नमाजी नहीं बनता, कोई कम तोड़ने वाला पूरा तोड़ना शुरू नहीं करता, कोई किसी इखलाकी बुराई के अंदर मुब्तला आदमी जो है वो राह रास्ते पे नहीं आता। क्यों, इसकी वजह क्या है? और जहां तक मैंने मुशाहदा किया है, इसकी वजह सिर्फ यह है कि ये हमारे मौजूद नहीं है, हमने कभी इन मौजूद पर बात नहीं की, हम तो पता नहीं किन किन मौजूद पे बातें करते हैं और किन किन मौजूद को छेड़ के बैठ जाते हैं, और जिन पे हम बातें करते हैं उनपे हम मजबूत हैं। आप एक आम आदमी को सोसाइटी को ले लें, इख्तलाफी मसाइल पे सुबह से लेकर शाम तक आप उससे बात करते रहे, जवाब देता रहे, लेकिन जहां करेक्टर की बात है या इस्लामी कवायद और जवाबत की बात है उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी दुकानदार को यह नहीं पता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत कैसे थी, किसी मजदूर को यह नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के लिए दस क्या दिया था, किसी उस्ताद को यह नहीं पता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीयत मुअल्लम अपनी जिंदगी कैसे गुजारता, फिर मामला कैसे चलाते थे, किसी खामत को यह नहीं पता कि बसियत खान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे। ये हमारे उन मसाइल की बात है जिनकी हमें जरूरत है, जो करैक्टर है, और करैक्टर की बुनियाद पर कौमें बनती है, करैक्टर की बुनियाद पर तरक्की नसीब होती है, करैक्टर की बुनियाद पर रूज नसीब होता है। मैं समझता हूं कि अल्लाह का हुक्म है कि जो कौमें दुनिया के अंदर बना के काम ज्यादा करती हैं और बिगाड़ के काम कम करती हैं, अल्लाह ताला दुनिया की जमाने का उन कौमों को देता है, और जो कौमें दुनिया के अंदर बिगाड़ के काम ज्यादा करती हैं और बना के काम कम करती हैं तो अल्लाह ताला दुनिया की जमाने का उनसे छीन लेता है। और ये बात जो है, ये उम्मत मुसलमान को कुरान का हुक्म है, समझ नहीं आ रही, और समझ इसलिए नहीं आ रही कि ये तो समझाने वाला नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी समझाने की है ये उनके मौजूद नहीं है, वो इस तरह बुलाते नहीं है, वो इस तरह लोगों को आगाह नहीं करते। तो ये वो सारी प्रैक्टिस है जिसको सोसाइटी के अंदर देखते हुए हमने इस बात की फिक्र की और ये थिंकर फोरम का प्लेटफॉर्म सजाया, और आपकी मेहरबानी से ये सिलसिला जो है ये अपनी मंजर की तरह रवा रवा है, और ये हमारी दावत भी है कि इस तरह का प्रोग्राम हर मोहल्ले के अंदर चल जाए, हर घर के अंदर चल जाए, हर गली के अंदर चल जाए, हर इदारे के अंदर चल जाए, ताकि लोग अस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली पैरों से लोग वाकिफ हो जाए, लोगों को इस बात का इलम हो जाए, और लोग उसको अपनी जिंदगी के अंदर लाने के लिए तैयार हो जाए। ये वो प्रोग्राम था जिसके लिए थिंकर फोरम की बुनियाद रखी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस्तेआत के मुताबिक, अपनी वसात के मुताबिक वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। अल्लाह ताला इसके काम को आगे लेकर चले, और इसमें अल्लाह ताला ऐसे लोगों को शामिल कर दे जो मजीद इसकी तकवीयत का बायस बने, और जो लोग इसको चला रहे हैं अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे। बमा लेने दर बना लो ये थे जी सफात उमर साहब। अब मैं दावत दूंगा जनाब मारूफ कारगुजार जनाब अर्शद मुंतकू साहब से कि आए और अपने ख्याल से हमें मुस्तफीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद इजाज भाई जो थे उनका हुक्म था, इजाज साहब उन्होंने आना था रास्ता वजीराबाद रोड, लेकिन वो गलती से वो गोहेंगी रोड जो है उन्होंने इख्तियार कर ली है, इसलिए कुछ वो देर है, देर से यहाँ पर पहुँचेंगे तो उतनी देर तक आप दोस्त जो बातें जान करना चाहते हैं। मैं मोहम्मद साहब को की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा कि एक हदीस में बयान करता हूँ कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत, क़यामत के करीब, वक्त वक्त के करीब आ जाएगा। सहाबा ने पूछा
कि यार सुल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त वक्त के करीब आने का क्या मतलब है? आपने फरमाया वक्त वक्त के करीब आने का मतलब यह है कि साल ऐसे लगे जैसे महीना है, और महीना ऐसे लगे जैसे एक हफ्ता है, और हफ्ता ऐसे लगे जैसे एक दिन है, और दिन ऐसे लगे जैसे एक घंटा है। ईमान से बताइए कि आज हमारे ये जो इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो हदीस इस पर पूरे तरीके से उस पर इसके मुताबिक पर पूरी करती है। फिर मैं एक हदीस पढ़ा करता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क्या क़यामत के करीब घर घर औरतें नाचेंगी, गद्दी औरतें नाचेंगी, कन्हैया नाचेंगी। उस हदीस का मफहूम यह है, और मैं समझता था कि ये मौजू हदीस है, कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती थी कि उस पर। लेकिन यकीन करें कि मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एक एक बात जो है वो आज सच साबित हो रही है। आज हमारे बेडरूम में केबल के जरिए, टेलीविजन के जरिए कन्हैयां नाच रही हैं। हमारे अपने अंदर घरों में हम बैठे होते हैं, हमारी बेटियां बैठी होती हैं, और हम फिल्में देखते हैं, हम वो सारा कुछ देखते हैं जिसके मुतल्लिक हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेंगोई की थी। हमारी उम्मत में जो आज इस बार आया है, उनकी वजूहात भी है कि ये चीज़ें शामिल हैं कि हम बातें तो बड़े बढ़ चढ़ कर करते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमने इस्लाम को सिर्फ नमाज और रोजे तक महदूद कर दिया है। मामलाती जिंदगी में, कारोबार में, जिस तरह मेरे भाई सरफराज मोहम्मद साहब ने फरमाया है, मैं महमूद अहमद वजी, अल्लाह ताला उन्हें 100-100 जनते दे, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि जी मैं सऊदी अरेबिया गया तो मैं रिसर्च कर रहा था तिजारत पे और मामलात पे, तो मैं जब सऊदी अरेबिया गया तो वहाँ की यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी ने मुझे मदाउ किया, तो उनके वाइस चांसलर ने मुझे कहा कि जी हम मामलाती तजारत पर और मामलात पर इस वक्त 100 के करीब वालियों जो हैं हमने तैयार किए हैं कि इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक है, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस की रोशनी में हम वो 100 वालियों जो हैं हमने तरतीब दी है। आज एक शख्स जो है वो नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, वो तहज्जुद भी पढ़ता होगा, लेकिन जब वो मामलती जिंदगी में हम उसको देखते हैं कि वो अपने अपने बहन भाइयों को विरासत में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होता, वो बाहर होता है तो मामलाती जिंदगी में झूठ बोलता है, वो ऐसे काम करता है जिससे तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है, और वो इस्लाम की बदनामी का बायस बनता है। मैं अल्लामा इकबाल का एक मैं कोट करना चाहता हूँ कि जब वो एक मगरबी स्कॉलर को मिले तो उन्होंने उनके साथ बात की तो वो बड़ा कायल हुआ, वो बड़ा मुतासर हुआ अल्लामा इकबाल की गुफ्तगू से। लेकिन उसने एक बात, उसने कहा अल्लामा से कहा कि मुझे कोई भी एक मुल्क बता दो, कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ तुम्हारे नबी का जो निज़ाम है, जो कुरान का निज़ाम है, वो मौजूद हो और वैसे लोग वहाँ पर मौजूद। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी इस वक्त पूरे आलम इस्लाम की वो हदीस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या आपने फरमाया एक वक्त आएगा मुसलमानों को गैर कौमें जो थे और कौमें इस तरह इन पर टूटे जिस तरह भूखे खाने पर टूटते हैं। तो सहाबा ने कहा यार सुनल्ला हम तादाद में कम होंगे, फरमाया नहीं तुम तादाद में कम नहीं होगे, बहुत ज्यादा होगे। तो फिर सहाबा ने पूछा यार सुनल्ला फिर क्या होगा, किस तरह हमें जो गैर मुस्लिम और दूसरी कौमें हैं वो हम पर टूट पड़ेंगे। आपने फरमाया कि तुम्हें दुनिया की लगन जो है उसमें तुम मसरूफ हो जाओगे और आखिरत से तुम बेफिक्र हो, और ये सारी आज सूरत हाल जो है वो मौजूद है, इसी तरह मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पूरी उम्मत पर सवाल है, पूरी उम्मत पर जो इस वक्त सवाल है, उसकी एक ही वजह है कि हमने अपने कुरान से, अपने नबी से अमली तौर पर वो रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दिया है जो हमें वो रिश्ता कायम करना चाहिए। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये उम्मत जिस सवाल से गुजर रही है, जिस दौर से गुजर रही है, और खसूसन पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, अल्लाह ताला इसको इस पर अपनी रहमत और इसको अपनी हिफाजत में रखे। वमा अलैना इल्ला अल-बलागु।
हमारे मेहमान जी बस रास्ते में है और वो अभी शहर में पहुंच चुके हैं। मेरा काफी 5 मिनट तक यहाँ पे इतनी देर थोड़ा सा इंतजार करो।